ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जाने दीजिए ना अम्मी जान, बड़ा मन है नाचने का। हमारा भी मन कर रहा आपका गला खोड़ देने का। कर सकते हैं? नहीं ना, चुपचाप बैठे रहिए यहाँ। जावेद, अगर आप वहां नाचने गई ना तो आपकी खूबसूरत मेहंदी खराब हो जाए। हाय अल्लाह, आप चाहे हमें जितना भी गुस्सा कर लें, हम जानते हैं कि आपको हमारा कितना ख्याल है। अब तो हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठ के नाचेंगे। गोद में ही बैठ लो हमारे, आइए वहां बैठे। जी, आप कितना अच्छा नृत्य करती हैं। जीजा सा भी यहाँ होते तो उन्हें बहुत आनंद आता। वैसे तो उत्सव के विषय में पूछ तो रहे थे, परंतु हमने उन्हें बताया कि आप वहाँ नहीं आ सकते, इसीलिए ही नहीं आए। अच्छा, कब मिले तुमसे और क्या पूछा? शहंशाह ये जानते थे कि यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, फिर भी आए। कितने हटी हैं, तनिक भी लज्जा नहीं। आइए जोधा बेगम, तो आपके हाथों में मेहंदी लग गई। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए।
आप वहां पर आए थे, हमने आपको देखा था। वैसे आपके यहाँ हरम में पुरुषों का जाना वर्जित है ना? नहीं, एक बार गलती से मानसिंह चले क्या गए थे, बहुत बड़ा बखेड़ा मच गया था, स्मरण है ना आपको? मानसिंह तो बालक थे, परंतु आपसे ये भूल कैसे हो गई शहंशाह? तो आपके मुताबिक जोधा बेगम, हमने गुनाह किया है, हमने कानून तोड़ा है, ठीक है, सजा दीजिए हमें। हमारे यहाँ पर हर छोटी छोटी बात पर दंड नहीं दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है, वही हम आपको दे रहे हैं। और वैसे भी आपने मानसिंह को क्षमा कर दिया था, इसलिए हम भी आपको करते हैं। जोधा बेगम, मानसिंह ने वो गुनाह अनजाने में किया और हमने ये गुनाह जानबूझकर किया है। हम वहां आए सिर्फ आपको देखने के लिए, जहां पर मर्दों की पाबंदी है, फिर भी आप हमें सजा नहीं दे रही हैं, क्यों? माशाल्लाह क्या खुशबू है जोधा बेगम। तो बताइए क्या सजा है हमारे लिए? हमने कहा ना, कोई दंड नहीं देना हमें आपको। कहीं मेहरबानी इसलिए तो नहीं कि आपको हमसे चाहत होने लगी है? क्या? और क्या जोधा बेगम, कहीं ना कहीं आप हमें पसंद करने लगी हैं। हमारे लिए आपके नफरत भरे दिल में मोहब्बत जाग गई है, शायद इसी वजह से आप हमें सजा नहीं दे पा रहे हैं। ये आपका भ्रम है शहंशाह, हमें आप रत्ती भर भी पसंद नहीं है, समझे? आपके इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें शायद आपको दंड देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, आपको 500 दंड लगाने होंगे। बस सिर्फ 500? सौ में सांसें भर जाती हैं, श्वेत से भर जाता है शरीर। ये क्या कर रहे हैं आप? जोधा बेगम, जो सजा आपने हमें मुनासिब की है वो हम शाही लिबास पहनकर काट नहीं सकते। आपने मुंह क्यों फेर लिया जोधा बेगम? अगर आप देखेंगे नहीं तो गिनेगा कौन? फिर आप कहेंगे कि हमने बेईमानी की। इधर देखिए जोधा बेगम, जोधा बेगम आप हमसे क्या करवा रही? हमारी कमर टूट जाएगी जोधा बेगम। ये कैसा स्वर निकाल रहे हैं आप? इस कक्ष के बाहर बहुत सारे लोग हैं, किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे हम दोनों के विषय में? यही सोचेंगे कि आप हमसे ऐसा क्या करवा रही हैं जिससे हमारी कमर ही टूट जाएगी जोधा बेगम। रुक जाइए, ठीक है जोधा बेगम, हम रुक जाएंगे, लेकिन उसके बदले आपको हमारे कंधों की मालिश करनी होगी, वरना हम फिर से आवाज़ें निकालेंगे। जिसे दंड दिया जाता है उससे सहानुभूति नहीं जताई जाती है। ठीक है, तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। अच्छा रुक जाइए, उठिए, पहनिए। हम ऐसे ही ठीक है, पहन लीजिए उसे। आइए जोधा बेगम, हमारे कंधे दबाइए, बहुत दर्द हो रहे हैं। कमाल है, हमने दंड दिया और हमसे सेवा करवा रहे हैं। इनसे बड़ा धूर्त तो हमने कहीं नहीं देखा है। इनका नाम जलाल नहीं, जल्लाद होना चाहिए था। कुछ कहा आपने जोधा बेगम? कुछ नहीं कहा। तो कंधे दबाइए। हाँ तो दबा रहे हैं ना। ऐसी गहरी गहरी सांसें क्यों भर रहे हैं आप? लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे जोधा बेगम की
ऐसी कौन सी मेहनत करवाई होगी आपने हमसे जो हम इतनी गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं। शब्बा खैर जोधा बेगम। संसार चाहे ये कहे जीजी कि जीजा सा के पास हृदय नहीं, परंतु मैंने जो देखा वो सबकी सोच के विपरीत है। जीजा सा ने साबित कर दिया कि उनके पास बहुत बड़ा हृदय है। उनके प्रिय हाथी हवाई को आमेर में किसी ने मदोन्मत कर दिया था, फिर भी वो शांत रहे। हम तो डर ही गए थे जीजी, भयभीत हो गए थे कि कहीं जीजा सा गुस्सा हो गए तो अनर्थ हो जाता। यदि ये ब्याह रुक जाता तो हम तो किसी को अपना मुख दिखाने लायक नहीं रहते, हम तो मर जाते जीजी। मृत्यु हो तुम्हारे शत्रुओं की, नए जीवन का प्रारंभ करने जा रही हो। आज के दिन ऐसी अशुभ बातें नहीं क्या करते हैं, समझी? बचपन साथ में ईश्वर ईश्वर करे हमारी बहन को कभी किसी की कुदृष्टि ना लगे। तुम और तुम्हारा सुखद भविष्य हमेशा दीर्घायु हो। चलो अब बस बारात आने की देरी है। जवाई साहब, इसमें शगुन का सिक्का डालिए। देखा सुजा, तुम्हारे जीजा सा कितने बुद्धू हैं। जीजा सा, आपके नाक पर तिलक की चोली गिरी है, ये देखिए।
दीदी विरासत ने आपको बुद्धू बनाया। उनकी नाक सिंदूर से लाल हुई और आपकी रगड़ रगड़ के। भाषा और सोच के साथ साथ इनके संकेत भी दे रही है। तुम यहाँ रेत से खेल रहे हो, खेल नहीं रहे, खेल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे ये रेत मुट्ठी से फिसलती जा रही है, वैसे वैसे धमाके का वक्त और नजदीक आता जा रहा है। अच्छा, और अगर तुम हमारी तरह नाकामयाब हो गए तो? यही तो फर्क है तुम में और हम में आदम। तुम तैश में आकर खेलते हो और हम ऐन वक्त तक तुरुप का पत्ता बचा कर रखते हैं, जो सही वक्त आने पर सारी बाजी बदल देता है। और ये पत्ता कब फेंका जाएगा? फेंका जा चुका है आदम, अब तो बस उसके खुलने का इंतजार है। इंतजार है उस पल का जब वजेंद्र के वालिद शहनशाह से रतनपुर के किले की मांग करेंगे। और अगर जलाल ने वो किला दे दिया तो? ऐसा नहीं होगा आदम, जलाल किसी भी कीमत पर वो किला नहीं देंगे। बहुत सियासी अहमियत है उस किले की। जलाल को पंजाब की सूबेदारी वहीं से मुकर्रर हुई थी। तो किला दिया तो नुकसान, पर नहीं दिया तो? बेगम जोधा से घमासान। उत्सव में पधारे सभी अतिथियों का आमेर में स्वागत है। आमेर की परंपरा के अनुसार मैं यहाँ कन्यादान दान के रूप में दान दी हुई वस्तुओं और संपत्तियों की घोषणा करता हूँ। 21 हाथी, 51 घोड़े, 51 सहस्र मुद्राएं, 500 गाय, ढाके के मलमल आबे रबा और शबनम से बने 10 जोड़े, 11 जोड़े हीरे के कुंडल, 15 सोने के शीश फूल, सांभर के समीप का विशाल अष्टद्वार भवन और जमुए माता के समीप के 15 गांव और भेंट में आए हुए समस्त आभूषण। अब वर पक्ष से आग्रह है वो कन्या धन ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। ठहरिए, अगर आपकी अनुमति हो शहनशाह तो हम कुछ कहना चाहते हैं और आप हमें ये आश्वासन दें कि हमारी सुरक्षा पर कोई बात नहीं आएगी। अब बेझिझक कहिए। इस सूची में से कदाचित एक नाम आप लेना भूल गए हैं श्रीमान। भेंटों की सूची में दुर्ग का नाम तो है ही नहीं। कौन सा दुर्ग? रतनपुर का दुर्ग जो हमें इस विवाह में भेंट में दिया जाना था। पर वो आपको ये कैसे दे सकते हैं? वो तो हमारी मिल्कियत है, वो मुगल सल्तनत का किला है। किंतु आपका प्रतिनिधित्व करते हुए स्वयं सूबेदार शरीफुद्दीन ने हमें ये वचन दिया था कि कन्या धन में भेंट स्वरूप हमें वो दुर्ग दिया जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं शरीफुद्दीन जी,
इस विवाह के लिए सहमति व्यक्त करने से पहले हमने यही शर्त रखी थी और आपने उसे स्वीकार भी किया था। शरफुद्दीन, क्या तुमने कुछ ऐसा कहा था? शहंशाह, हम भला ऐसा क्यों कहेंगे? शरीफुद्दीन जी, ये हास परिहास का अवसर नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं, जो किला शहंशाह की निगहबानी में आता है उसे आपको देने का वादा हम कैसे कर सकते हैं? बादशाह सलामत, क्या आपको लगता है कि आपका ये खादिम आपसे बिना पूछे ये गुस्ताखी कर सकता है? हम जानते हैं कि वो किला आपको कितना अजीज है, उस किले के साथ कितनी यादें जुड़ी हैं आपकी। वहीं से आपको पंजाब का सूबेदार मुकर्रर किया गया था। ये लोग झूठ बोलकर मुगल सल्तनत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्षण रुकिए आप। समधी साहब, हमने कन्याधन में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर आपने ये मांग क्यों रखी? हम ये नहीं चाहते कि जो आपके साथ हुआ वही हमारे साथ भी दोहराया जाए। आपने अपनी बेटी का हाथ मुगलों के हाथों में दे दिया। और उसके बदले में सभी राजवंशियों से आपको बैर मोल लेना पड़ा। हमें सुरक्षा चाहिए थी, मुगलों से भी और राजवंशियों से भी। अगर शहंशाह जलाल का वो सुदृढ़ दुर्ग हमें मिल जाता तो हम सुरक्षित हो जाते। हमने दुर्ग की मांग इसीलिए की थी भारमल जी।